जब मन बहुत परेशान हो और आगे कोई रास्ता ना दिख रहा हो तो इंसान को क्या करना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक सुनोगे तो आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। हमेशा याद रखना, खुद पर ध्यान देना, लोगों पर नहीं। जब मन अशांत हो तो क्या करना चाहिए? ये समस्या कोई नई नहीं है, इससे हर एक व्यक्ति परेशान है। क्योंकि मन का काम है हमेशा आनंद खोजते रहना, और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो मन अशांत हो जाता है। किसी भी समस्या का समाधान हम पूरी तरह से तब तक नहीं कर सकते कि जब तक हमें समस्या के कारण का पता नहीं हो। मन के अशांत रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि दूसरों से अपनी तुलना करना, पैसे की तंगी, कुछ काम करने की सोचना और उसका पूरा नहीं हो पाना, अपने काम से खुश न होना, फेमस होने की इच्छा रखना। तो इस तरह के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में मन के अशांत रहने का कारण भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, जब मन के द्वारा कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के विषयों के बारे में सोचता है तो उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो इस तरह मन अशांत हो जाता है। इसलिए जब भी आपका मन अशांत हो तब ये समझ लेना चाहिए कि आपकी इच्छाओं को पूरा होने में कहीं न कहीं कोई रुकावट आ रही है। तो अब बात ये आती है कि इसका स्थायी समाधान क्या है। इसका समाधान कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन ये व्यक्ति के ज्ञान पर निर्भर करता है। संगीत सुनना, फिल्में देखना, कहीं घूमने चले जाना, इनसे क्या होगा कि आप जब तक इन चीजों के संपर्क में रहोगे तब तक आप शायद खुश हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप अपने कार्य क्षेत्र में लौटेंगे तो वो समस्याएं फिर खड़ी हो जाएंगी और आपका मन फिर से अशांत हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि अपने आप को जानो कि आप हो क्या। क्योंकि आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप शरीर भी नहीं हो, आप इन सब के ऊपर इनके स्वामी हो और आप इनसे अपना कोई भी कार्य करा सकते हो। जैसे कि अभी आप मेरा जवाब सुन रहे हो और अभी चाहो तो इसको बंद करके फिल्में देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, कहीं भी बाइक से या पैदल घूमने जा सकते हो। तो इस तरह आप ये बात अच्छे से जान सकते हो कि आप इनके नियंत्रक हो। अगर आप चाहो तो अभी तुरंत एक सेकंड में सुखी हो सकते हो। इसके लिए बस इतना ही करना है कि अपने दिमाग को तुरंत सारे विचारों और सारी इच्छाओं से खाली कर दो। फिर आप तुरंत महसूस करोगे कि दुख और अशांति जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए जब भी मन अशांत हो तो तुरंत अपने आप में लौटा करो और अपने शरीर, मन, बुद्धि से ऊपर उठकर ये सोचा करो, मैं तो सुखी हूँ। लेकिन अशांत क्यों हूँ तो आपको पता चलेगा कि केवल मन है जो परेशान कर रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्य को अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करना चाहिए। क्योंकि मन ही तो मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया है वो उसके लिए मित्र की तरह कार्य करता है, और जो मन को नहीं जीत पाया है वो हमेशा अपने शत्रु के साथ ही निवास करता है। इसलिए आपको ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है कि आप में और मन में क्या अंतर है, तभी आप हमेशा के लिए शांति से और सुख से जी सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि आप ये जान सकते हो कि कई बड़े बड़े महाराज, इनके पास खूब पैसा था लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं था, इसलिए आज पड़े हैं जेल में। तो इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, इस जीवन में बहुत मजा है। अगर अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो जब मन बहुत परेशान हो
और आगे कोई रास्ता ना दिख रहा हो तो इंसान को क्या करना चाहिए? जब मन बहुत परेशान हो और आगे कोई रास्ता ना दिख रहा हो तो इंसान को सावचेत हो जाना चाहिए कि अब जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटने वाला है। उसे यह समझ लेना चाहिए कि जाने अनजाने कुछ ऐसी आध्यात्मिक साधनाएं उससे संपन्न हुई हैं, जो अब उसे मन के पार के जगत में प्रस्थापित करने वाली हैं। मन के परेशान होने का अर्थ है अब मन के वश में कुछ न रहा, और यह आत्मोपलब्धि के लिए अच्छा संकेत है। मन ही तो सबको प्रारब्ध कर्मों के भुगतान की ओर लिए चलता है। इस क्रम में मन अजीबोगरीब रास्तों पर मनुष्य को भटकाते हुए अंत में निराशा के अंधकूप में डाल देता है। इसलिए यदि किसी का मन परेशानी के चलते रास्ता दिखाने में असमर्थ हो रहा है तो यह कोई चिंता की बात नहीं, अपितु धन्य भाव की बात है। अब उस व्यक्ति के लिए उसकी आत्मा रास्तों का सृजन कर रही है, और क्योंकि यह मन के आयाम से परे की बात है इसलिए उसे कुछ सूझ नहीं रहा है और वह परेशान हो रहा है। जीवन का यह मोड़ अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रारंभ में कहा गया कि सावचेत हो जाना है। यदि समझ न रखी और उस परेशान मन की मिजाज कुर्सी करने में लग गए तो डिप्रेशन में आ जाना सुनिश्चित है, किंतु यदि समझ को जगा लिया तो नवजीवन के द्वार खुल जाने वाले हैं। तो समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे यह आत्म जागृति का पल गवाना नहीं चाहिए। अपने परेशान मन को एक कोने में बिठा देना चाहिए और परामानसिक आयाम के प्रति खुल जाना चाहिए। मनचाहा न होने अथवा अनचाहा होने पर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। इसके लिए निम्न दो सूत्र व्यवहार में लाना चाहिए। प्रथम सूत्र है श्रद्धा, अर्थात अपने आत्मस्वरूप पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अपना जीवन पराचेतन से संचालित महाजीवन को समर्पित करके पूर्णत निश्चिंत हो जाना चाहिए। और दूसरा सूत्र है सबूरी, अर्थात धीरज, मन के परे निर्मित होने वाले नवपथ की धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा। यदि ये दो सूत्र साध लिए तो समझिए उस व्यक्ति का जीवन एक अप्रत्याशित रूप लेगा और उस व्यक्ति को धन्य कर देगा, यानी उस व्यक्ति द्वारा की गई आध्यात्मिक साधनाओं को उसकी श्रद्धा और सबूरी अपनी पूर्णता तक पहुंचा देंगी। कृपया इसका अर्थ यह नहीं लें कि जीवन में अब सब कुछ अच्छा ही होगा। भौतिक रूप से तो प्रारब्ध अपना खेल खेलेगा, किंतु व्यक्ति का सर्व स्वीकार भाव उसके दंश का प्रभाव कम कर देगा, ताकि वह धीरज रखते हुए नवपथ पर शांति पूर्वक यात्रा कर सके। इस सर्वस्वीकार भाव को लाने के लिए जीवन को ईश्वर की लीला के रूप में देखना पड़ेगा। जीवन के कष्टों को ईश्वर का वरदान समझना होगा, क्योंकि वे कर्म विपाक द्वारा हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने आते हैं। लोग अपने दुख दर्दों के बारे में और भगवान से प्रार्थना के बावजूद दर्द से राहत नहीं मिलने के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन दुख स्वयं ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। यह ईश्वर की करुणा का प्रतीक है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग अपनाते हुए परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करके अपना अहंकार पूर्णत विसर्जित कर सके, तब उसका प्रारब्ध परिवर्तन भी हो सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जब आप अपनी चिंता को भक्ति में बदल देते हैं तो भगवान आपके संघर्षों को आशीर्वाद में बदल देंगे। एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम सबल था, जो नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उनकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं, उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी। वह कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। वह अकेला रोता है और भगवान को कोसता है
और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहा था, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है, ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में वास्तविक दर्द हो, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चला गया। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेगा? उनके दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करता था, जो उससे प्यार करता था। अब उनके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हैं, तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी, और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात सबल के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में गलाने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया, जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन न था। उनके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह हंगामे में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी उन्हें किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, संत, आपने मुझे मेरे पास आने के लिए कहा था। जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता है,
अब मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, आपने उस दर्द से क्या सीखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई करता है, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों न हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तभी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराया और बोला, जब आपके पास है तो यह वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय साधु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया जैसा कि गुरु ने बताया और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था, परंतु वह निश्चिंत था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया, उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा अगर मैं तुम्हें दे दूँ, यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। जनता के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब से उसे याद आया कि उस शिक्षक ने उससे कहा था, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई, आंखों में आंसू लिए। उसने कहा, हे गुरु जी, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। सबल ने कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में अभी दुख नहीं है, तो आखिर असली दुख क्या है? गुरुजी ने सबसे कहा कि पहले आप मुझे बताओ, आपने अपने दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा कि मैंने वह सीखा जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखना चाहिए। अपना काम ईमानदारी
और धैर्य से करें और कभी लालची मत बनो। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद सबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने सबल को देकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश हैं। उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो सबल के जीवन में भी दुख आते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। वह शवों को ले गया, दोनों को श्मशान घाट ले गया जहां अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उनका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया, इसलिए उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज जो छूटा पड़ा है, जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए, आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है वह समझ नहीं सका, इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरु जी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरु जी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है, कोई न कभी जिया है और न कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है, शायद तुम कल ही मर जाओगे या आप आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है, लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करता है। मास्टर जी की ये बातें सबल के मन में घर कर गईं और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था, वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया। यह सुनकर गुरु जी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हो गया है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करना है। सबल ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करो। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। सबल ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करता है। गुरु ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं?
सबल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए, सब कुछ धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहाँ पर छोड़ कर गए। शिक्षक ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते, चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं, हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो सकें और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हम अंदर बंटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बंटे हुए हैं, क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती, हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है, यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो, इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो, अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो, अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। सबल ने कहा, तो गुरु जी क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। शिक्षक ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से निकल आ, जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं है सिवाय देखने के, परेशान होना और कुछ खोना, वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है और यह दुख देता है, लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है, फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। सबल ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बंटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है, एक बच्चे के हाथ में रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दें अपनी चेतना और इसे इकट्ठा करें। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया, उसने अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप चला गया। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।